हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप? सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि गांव के अंदर मेरी सुबह से शाम तक की एक्टिविटी, कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। सो फर्स्ट, अभी मैंने चाय पी है, और चाय पीने के बाद में अभी हमारे पानी आ चुका है, तो आप ये देख सकते हो। और अभी टाइम हो रखा है करीबन 7:07। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मम्मी है, मम्मी को भी मैं दिखाती हूँ। मम्मी अभी रेस्ट, मतलब बात कर रही किसी से, और जो मेरी बहन है वो फोन चला रही है, ठीक है। और मैं हूँ जो पानी भर रही हूँ, यू नो, ये देखो। सो पूरी एक्टिविटी दिखाऊंगी मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। तो पहले मैं पानी भर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट एक्टिविटी हम करते हैं। मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, अभी मैं बस घर से आई हूँ। अभी बज रहे हैं 11:30, ऐसा कुछ हो रखा है। और अभी दीदी ने झाड़ू निकाली है, पोछा लगाया है। मैं बर्तन मांज के आई हूँ बस। अब यहाँ पर दाल बाटी बनाएंगे, जो मेरी मौसी के घर पे यहाँ पर दाल बाटी बनेगी, तो वो मैं बनाऊँगी। तो गाइस, अभी मैं दाल बना रही हूँ, ये देखो। और ये जो भाभी सा है वो भी काम कर रहे हैं, वो शक्ल नहीं दिखाते, शर्माते हैं। ये देखो, और बड़ी मम्मी फिलहाल किसी से बात कर रही है। इसको देखना, ओए इधर देख, नंगा पुंगा बैठा रहता है सारे दिन। मोसी बड़ी मम्मी चड्डी पहना रही है उसको, चड्डी अंडरवियर हमारी देसी भाषा है। और मैं अभी बना रही हूँ तड़का, लगाऊंगी दाल के। और भाभी सभी कपड़े धोने गई है, और बड़ी मम्मी बैठ खड़ी है मेरे सामने, है ना बड़ी मम्मी? आज बड़ी मम्मी ना हम दोनों रसोई में खाना बना रहे हैं, काफी टाइम बाद में। धक्का लगा और ये सारे जने से परेशान करता रहता है। लगा। ओहो, कौन लगे धक्को? इन्हें थोड़ा डाल, अब डाल, लगा। वाह, लागो धक्को। ओहो, आज बाहर ना, बाहर ना, चल चल चल। तो दाल बाटी वगैरह सब बना ली थी, 1 घंटे का रेस्ट किया था। और अभी मैं और मम्मी, ये जो मिर्ची है ना, तो इनके जो ये होते ना, ये वाले, इनको निकाल के रख रहे हैं, क्योंकि पिसवाना है इनको। और दीदी अभी काम करती रहती है, वो तो सारे दिन फ़ोन में लगी रहती है, सारे के सारे दिन फ़ोन में लगी रहती है, खाली तो बैठे ही नहीं। और मैं भी टीवी में देख रही हूँ क्राइम अलर्ट। अभी दीदी ने पोहे बनाए थे, जो मैंने फेस्ट कर दिया खा के। दीदी ने पहले एक रेसिपी बनाई थी पॉपकॉर्न की, तो वो काफ़ी ख़राब निकल गई, तो उसको तो मैं फेंक के आई हूँ। फिर दोबारा ये बनाए हैं, वो भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने, बस अजीब सा कुछ हो रहा है। नहीं, अगर मैं दीदी को बोलूँगी कि यार पोहे अच्छे नहीं बने, तो दीदी फिर बुरा मान जाएगी, सोचेगी यार मैंने इतनी मेहनत से बनाया और अच्छी नहीं बने, मतलब तो मैं ही खा लेती हूँ।